हाय दोस्तों, आज हम बनाने जा रहा है आयोवा के 40 पीसेस कॉम्बिनेशन सॉकेट ट्रेन सेट का एक अनबॉक्सिंग वीडियो। ये मैं अमेजोन से ख़रीदा हूँ। लास्ट वीक में हम इसको ऑर्डर किए थे। उन लोग बोले थे कि 5 से 10 दिन के अंदर ये डिलीवरी हो जाएगा, लेकिन ये बहुत पहले आ चुका है, 4 दिन में ही आ चुके हैं। इसका मुझे प्राइस पड़ा वहाँ पे 399 का इसका प्राइस था, और मुझे इसको डिलीवरी चार्ज देना पड़ा 50 रुपीज़ का। सो कुल मिलकर मुझे 449 का आ गया। तो हम इससे पहले अमेज़न में बहुत सारा रिव्यू दिखा है इसके बारे में कि कोई कोई बोलता है इसका बॉक्स टूटा हुआ होता है या से वा से, लेकिन मेरे पास जो बॉक्स आया, पैकेट आया, सब इंटैक्ट ही था, 1 पीस में था। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है कि ये बॉक्स ख़राब है। सिर्फ इस कोने में एक थोड़ा सा चपा हुआ एक पॉइंट है, बस सही, और पूरा साइड में ओके है। और मेरे पास जो आया था पूरा प्लास्टिक रैपिंग से है आया था, तो मुझे नहीं लगता कि सेकेंड हैंड और ये यूज्ड ये सब कुछ नहीं था, पूरा सील्ड आया था मेरे पास। तो इससे पहले मैं चेक करने के लिए उसको उसका जो कवर दिया होता ऊपर में वो हम हटा चुका है पहले, उसके बाद हम उसको चेक किए सब ठीक ठाक है कि ना नहीं, तो देखा जाए ठीक ही है। तो चलो चलते हैं, हम लोग इसको ओपन करते हैं। ए आईवा बेस्ट क्वालिटी का फर्स्ट 40 पीसेस कॉम्बिनेशन सॉकेट रेंज सेट है। इसका कुछ स्पेसिफिकेशन बगैर इसमें है कि 1x4 एंड 3x8 ड्राइव ऐसे ही एंड मेट्रिक साइज कॉम्बिनेशन लाइक दिस दिस दिस। मुझे लगता है इस साइज का वो जो होता है ना स्क्रू, उसको ओपन कर सकते हैं हम लोग। ये सब है, ऐसे जो पिक्चर में देख रहे हैं आप लोग, यही पूरा अंदर में भी ऐसे ही ऐसे सजा कर दिया हुआ है। ये जैसे होल्स है इसको हम लगा सकते हैं। इसमें एक रैचेट है, एक स्क्रूड्राइवर लाइक रैचेट है छोटा, इसको ये जो बड़ा एक्सटेंशन है ये भी एक बड़ा साइज का है। तो चलो, और बेसिकली ये है मेड इन चाइना का। तो चलो, इसके अलावा उसमें कुछ और एक्स्ट्रा कुछ नहीं है। क्या इसमें क्या क्या है, इसमें जो कंटेंट्स के अंदर जो जो है वही वही है दिया हुआ इसके अंदर में। जैसे कि हम लास्ट में पढ़ता है 1 पीस ब्लू केस, 1 कलर स्लीव, 2 पीसेस 3x8 इंडक्टर मैट्रिक सॉकेट 15 mm 16 mm का है। एक है 1 पीसेस 6 mm का स्पिनर हैंडल है जो हैंडल के साथ आया है मेरे पास, और एक ए स्पार्क प्लग सॉकेट। चलो अंदर जाते हैं, अंदर जाके देखते हैं हम लोग इसमें क्या है और क्या नहीं है। चलो, ये तो ऐसे ही खुल खुल जाता है, ऐसे एक ओपन है। अरे ये जो बॉक्स है ना, ये बॉक्स प्लास्टिक का नहीं बना, ये कोई बॉक्स नहीं है, ये बहुत ही हल्का फुल्का एक प्लास्टिक से बना हुआ है, टूट सकता है। इसमें इसके ऊपर अगर कोई भारी चीज़ रख दिया जाए, इसमें मारा जाए तो ये टूट जाता है। तो ये जस्ट 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 इस जस्ट कीप इन सेफ साइड, दैट्स वाई ये लोग दिए हैं। चलो अंदर में हम देख लेते हैं क्या क्या है। चलो अंदर में यही है सिर्फ, ये हम लोग ब्रेसलेट है। तो ऐसे 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 होता है ये दोनों तरफ। अगर आप इसको लॉक कर दीजिएगा तो ये ओपन होगा, और ऐसे कर दिया तो ये भी होगा, और ऐसे कर देंगे तो सेट होगा क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। इसको लॉक, अगर आप लॉक ऑन कर दे ऐसे कि अब लॉक ऑन है तो एंटी क्लॉक जाएगा, अगर लॉक कर दे ऐसे कर दे तो चलो ऐसे कर दे तो ऐसे ऐसे जाएगा। तो इसके अंदर एक जो ये है, इसके अंदर आप इसको फिट कर सकते हैं, ये जो एक्सटेंशन है ऐसे आप इसको अंदर में आसानी से ये फिट हो जाता है। एक्सटेंशन हो गया आपको, आपका एक्सटेंशन हो गया। अगर आप चाहो तो इसको ऐसे लगा, ये है 15 mm, 15 mm का है। अगर आपके पास कोई 15 mm का स्क्रू वगैरह कुछ ओहो ऐसे कुछ भी हो जिसको आप खोलना चाहते हैं तो ऐसे करके खोल सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो आप इसको
अगर आप चाहे तो इसको एक्सटेंशन के बगैर ही लगा सकते हैं इसको। हाँ, इसको लगा सकते हैं, इसको ऐसे 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 कर सकते हैं। तो कुछ लोगों का दावा है कि इसमें जो बोलते हैं ना 40 पीसेस कॉम्बिनेशन सेट है, तो इसमें 40 पीसेस नहीं आ रहा है। चलो देख लेते हैं हम एक बार इसको गिनती करके, इसमें कितना कितना पीस है। ये है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, और एक कहाँ गया? ओ, ये जो है ना, बोलते हैं कि ये टोटल 40 पीसेस कॉम्बिनेशन सॉकेट है। मुझे लग रहा है ये लोग ना ये लोग ना जिस पूरा कॉम्बिनेशन इस बॉक्स को लेकर लिया है। तो 39 का ये टूल्स है, और टूल सेट को रखने के लिए जो बॉक्स दिया है ना, ये भी एक सेट है, इसलिए इसको 40 ले रहा है लोग। इसलिए आई हुआ का दावा है कि 40 पीसेस कॉम्बिनेशन सॉकेट है। मुझे लग रहा है कि ऐसे तो टोटल इसमें टूल से 39 का इसको लेकर ये वासल लाइक है, इसके अंदर जाता है, खोलने से आपको देखना मिलेगा, इसको अंदर में जाएगा ये चीज़। अगर आपको वासर जो घिस जाता है ना बार बार, उसके अगर आपको पूरा घिस जाए तो उसके बाद लगाना होता है यह चीज़। तो आप मुझे दिक्कत जरूरत नहीं, इसको जहाँ पे था वहाँ पे रख दे रहे हैं हम। तो मुझे लग रहा है इसलिए 40 पीसेस कॉम्बिनेशन सेट है, ठीक है। तो ये एक छोटा वाला एक स्क्रू ड्राइवर लाइक दिया हुआ है, इसके माथे पे भी ए है। तो ऐसे करके आप ऐसे ना, इसमें नहीं जाएगा, देखते हैं इसमें जाएगा। हाँ, इसमें जा रहा है कि मतलब होता है ना कुछ बाइक का कुछ ऐसा वैसा पार्ट्स का छोटा मोटा ऐसा होता है जो नट्स वगैरह, तो इसमें चले जाएगा। मुझे इसका जो ये जो हेड पोर्शन है पकड़ने का, ये अच्छा मटेरियल नहीं है। मुझे लग रहा है ये तो स्लिप करेगा ही करेगा हाथ में, और टूट भी जा सकते हैं, प्लास्टिक टूट भी जा सकते हैं, प्लास्टिक का ही बना हुआ है। तो इससे बेहतर है कि आप इसे ना यूज़ करके आप ये ले लीजिए, इसको एक एक्सटेंशन लगा लीजिए, और ये और एक एक्सटेंशन लगा लीजिए। इसमें अटैचमेंट दिया हुआ है, ये छोटा वाला इसमें आराम से फिट हो जाएगा। तो बस इसको लगाइए, ओपन करिए, क्लोज करिए, जो मन में आए वो कीजिए, बस अच्छी तरीके से हो जाएगा। बहुत ही अच्छा टूलकिट है। चलो हम इसको रख देते हैं यहाँ पे। ये वाला था यहाँ पे था, एक्सटेंशन था यहाँ पे, और ये वाला था। इसको पकड़ने के लिए थोड़ा सा खुरदुरा सा एक हैंडल दिया गया है। हम सोचते कि इस हैंडल में अगर कोई रबड़ी ग्रिप जैसा कुछ देते वो लोग तो बहुत अच्छा होता, कुछ रबड़ी जो हाथ में हम लोगों का पकड़ने के लिए ग्रिप अच्छा होता, और थोड़ा अगर ये थोड़ा बड़ा होता तभी भी अच्छा होता। चलो ठीक है, नो इश्यू एट ऑल। और ये है बड़े वाला जो है, इसको ये लोग बोल रहे हैं कि ये क्या करने के लिए बोल रहे हैं कि ये स्पार्क प्लग सॉकेट, बाइक का जो बाइक या तो कोई भी जैसे कि आप पकड़ लो पाम जनरेटर का, सभी में स्पार्क प्लग होता है। तो वो जो स्पार्क प्लग के लिए यहाँ पे देखो, देखिए आप यहाँ पे लिखा भी है, पता नहीं कैमरा फोकस कर लिया, इसको SP लिखा हुआ है, स्पार्क प्लग, SP फॉर स्पार्क प्लग, ठीक है। स्पार्क प्लग को ओपन करने के लिए ये चीज़ है, इसको ऐसे एक्सटेंशन में लगा लीजिए, इसको लग गया एक्सटेंशन में। आप इसको बाइक बोलो क्या, आपके जनरेटर में बोलो, मोटर में बोलो, कुछ में जहाँ जहाँ पे स्पार्क प्लग होगा आप आसानी से उसको खोल सकते हो, आराम से खोल जाएगा। चलो ये हो गया, हम लोगों का 40 पीस भी मिल गया। इसको 39 है टूल्स, और 1 है इस बॉक्स के लिए, इस बक्से को एक पकड़ लिया ये लोग, तो ठीक ठाक ही है। हम ये अमेज़ोन से लिया है,
कुल मिलेगा वही डिलीवरी चार्ज मुझे देना पड़ा इसके लिए 499 में मिला है मुझे। इसका जो सॉकेट वगैरह जो आया है सब ठीक ठाक ही है, मुझे कोई दिक्कत नहीं होता है। मुझे लग रहा है कि ये होम पर्पस के लिए बहुत ही अच्छा है। होम पर्पस के मानो तो आप अगर सोचो कि आपके घर में एक बाइक हो, एक स्कूटर हो, छोटा मोटा जनरेटर हो, ऐसे कुछ हो, तो इसे आप आसानी से उसके बोल्ट वगैरह नट्स वगैरह आप आसानी से इसे खोल सकते हो। लेकिन आप अगर चाहो तो बड़े बड़े इंजन का पार्ट्स खोलना चाहते हो कि आप गैरेज में काम करते हो तो उसके लिए ये ठीक नहीं है। घर के लिए आपको हैंडी चीज़ के लिए आप घर में आप खुद को मैकेनिक समझते हैं तो आप इसको रख सकते हैं घर में। इसलिए हम खरीदे हैं इसको। मेरा बाइक है उसमें हम देखते हैं हर बाइक में आप पूरा नट बोल्ट दे रहे हैं वो लोग, कोई भी स्क्रू नहीं है। जैसे चार 4 हेडेड स्क्रू 6 हेडेड स्क्रू कहीं भी नहीं मिल रहा, सब जगह बोल्ट बोल्ट बोल्ट। चलो ठीक है, इसलिए हम एक ख़रीद लिया और हम सोचे कि इसको एक अनबॉक्सिंग भी बना देते हैं, देखते हैं कुछ लोगों को इससे मदद भी हो जाएगा। और क्या सब ठीक ठाक ही है, मुझे ये तो एकदम नया नवेली लग रहा है। पूरा बॉक्स भी नया है, इधर उधर कुछ भी कुछ नहीं है। चलो ठीक ठाक ही है, कोई दिक्कत नहीं है। अमेज़न भी ठीक ठाक ही भेजा है मुझे। मुझे लग रहा था इधर भी टूटा आएगा, इधर भी टूटा आएगा, इधर टूटा भी आ सकते, क्योंकि इससे पहले मैं बहुत सारा वीडियो देख चुका हूँ यूट्यूब में। वहाँ पे कुछ लोग का मानना है कि ये लोग सेकंड हैंड भेजते हैं, ये लोग अच्छे चीज़ नहीं भेजते हैं, बहुत सारा देखने में आया है मुझे। हम बहुत ओरिड भी थे इसको ऑर्डर करने के बाद। तो आज हम देखे कि अर्ली डिलीवरी हो गया, हम इसको ऑर्डर किए थे फ्राइडे को, लास्ट फ्राइडे को, और आज मुझे मिल गया। तो लास्ट फ्राइडे से आज तक मुझे सिर्फ 4 या 5 दिन ही लगा है, जिसके इसके ये डिलीवरी डेट ही था, इसके एस्टिमेट डिलीवरी डेट ही था 10 दिन। तो वो लोग भी दे दिए दिए थे अराइविंग सैटरडे, बट आई गॉट दिस ट्यूसडे, आज मंगलवार को। चलो ठीक ठाक है दोस्तों, इसके लिए हम पूरा बता दिया आप लोगों को क्या क्या है इसमें, क्या क्या नहीं है, सब ठीक ठाक ही है, कोई दिक्कत नहीं है। बॉक्स भी ठीक ठाक ही है। अगर कुछ हार्ड अगर ये बॉक्स थोड़ा सा अच्छा होता तो बहुत ही अच्छा होता, लेकिन चलो ठीक ही है, घर में हम रखेंगे, छोटा मोटा काम करेंगे इसमें, आसानी से हो जाएगा। थोड़ा भारी सा मिलेगा, कुल मिलाकर भारी भी है थोड़ा, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं होगा, इसमें आप रख लीजिए, सब ठीक ठाक ही, दिक्कत नहीं। ओके फ्रेंड्स, हम आपको दिखा दिया इसका अनबॉक्सिंग करके, इसमें क्या है क्या नहीं है। आप लोग आप कमेंट बॉक्स में बोलिए मुझको इसको और क्या आप देखना चाहते हैं इसके बारे में। अगर कोई क्वेश्चन वगैरह आपको पूछना चाहे तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। अगर आप मेरा वीडियो पसंद आया आप लोगों को तो आप लाइक जो मन में आए वो कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, आपके ऊपर निर्भर करता है पूरा। ओके, थैंक्स दोस्तों, थैंक यू।